नमस्कार दोस्तों, साहिल प्रेरित यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको ये बताएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वहाँ MPG2 रिसीवर लगा हुआ है, कभी सिग्नल आते हैं चले जाते हैं, कभी 35% सिग्नल हो जाएंगे, कभी वही सिग्नल 60% हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके वहाँ 70 चैनल आ रहे हैं और चैनल आ नहीं रहे हैं, कभी कभी आधे चैनल आते हैं, पूरे चैनल आते ही नहीं है। कभी कभी शिकायत ये भी मिलती है कि जैसे कि सर मेरे 100 चैनल आ रहे हैं और आप दिखा रहे हैं 150 चैनल, मेरे नहीं आ रहे हैं। तो इन सब मर्ज की दवा हम देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप टेक्नीशियन हो, आपको कुछ जानकारी हो तो ही आप इस सेटअप बॉक्स को खोलो, नहीं तो बहुत ही डेंजर है ये सेटअप बॉक्स, करंट लग सकता है आपको। आप अगर नहीं जानते तो इसे मत खोलें, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कार्ड है ऑडियो वीडियो और उस पर इसमें एंटीने का तार लगता है और ये है पावर सप्लाई, ठीक है दोस्तों। और ये MPG2 रिसीवर है, इसकी कीमत मार्केट में 350-400 रुपये होती है। ये IC है, बड़ी IC होती है। ये बहुत 2028 का ये कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है 2028, इतनी याद रहे इसके यही जो सप्लाई वाली पिन लगी है यहीं पे लिखा होता है 2028, ठीक है दोस्तों। तो 2028 बहुत ही अच्छी प्लेट होती है और ये देख रहे हैं कि ये कितने हल्के में इस समय बना रहे हैं सब। कार्ड तो अच्छा लगा है, मानते हैं पावर सप्लाई भी अच्छी लगी, लेकिन बॉक्स की क्वालिटी लोगों ने घटा दी है। और ये जो लगा है छोटा सा PF स्टील बॉडी में, ये कलर, अगर कलर TV में चला रहे हो तो ये कलर देता है, अगर ये शॉर्ट हो जाए तो ब्लैक एंड वाइट आने लगता है, तो आप इसको उसको बदल लो आप तो आपके कलर आने लगेगा। अब देखिए सिग्नल कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, तो उसके लिए ये देख रहे हैं कार्ड से जो तार आया हुआ है इसमें पावर सप्लाई में लगा है, तो इसमें एक बड़ा कैपेसिटर लगा होता है। ये देखिए एक मिनट, ये सब कंडेंसर लगा होता है। इसे उंगली रख के देखेंगे तो ऊपर गुंबद की नुमा अगर निकला है तो समझो ये ख़राब है, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो है सिग्नल कम ज़्यादा हो रहा है, वीक सिग्नल हो रहा है, यानी कि सप्लाई सही तरीके से कार्ड में नहीं पहुंच रही है तो हो रहा है ये। और इसका मैं आप सही तरीके से देख लें मैं इसे। बाकी दोस्तों आप लोगों के फ़ोन कॉल्स बहुत आते हैं हमारे पास और ये देखिए। और दूसरी बात ये देख रहे हैं जो डायोड लगा हुआ है, ये 4 डायोड लगे हुए हैं, ये 2 इधर लगे हुए हैं, 2 उस साइड में लगे हुए हैं। ये डायोड जब ख़राब होते हैं तो आपके डिश TV के प्रोग्राम आते हैं और DD-Series के नहीं आते हैं। तो इन कार्ड डायोड को भी आप चेक कर सकते हो, चेक करने के बाद बदल लो, ख़राब हो तो दूसरे डायोड लगा दोगे तो आपके DD-Series के प्रोग्राम आने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो है सप्लाई है, ये जो मेन सप्लाई से ये कैपेसिटर जो है ये लगा है, ये भी ख़राब होता है तो भी सप्लाई में अगर कुछ कोई भी दिक्कत होती है, देखो यहाँ पे लगा हुआ ये, इसकी दिक्कत की वजह से भी सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, सिग्नल कम मिलता है। ये देखिए मैं आपको सही तरीके से दिखा दूँ, इसका 4000 वोल्ट 3.3 UF, ठीक है। ये जब ख़राब हो तो इस नंबर का आप कंडेंसर आप लगा लें, कैपेसिटर भी बोलते हैं कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे एक से बढ़ के एक न्यूज़ आप लोगों को मिलती रहेगी दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सअप फेसबुक जितनी भी सोशल साइट हो जहाँ पर भी आप कि यार दोस्तों वहाँ पे आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से आपके अपने इस चैनल से जुड़ सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।